यह 12 कारण है तो सेक्स नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त की हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सेक्स कब करना चाहिए? सेक्स कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, मगर तभी भी कुछ ऐसे कारण है कि जिसमें एक मोटे तौर पर कि जिसमें सेक्स नहीं करना चाहिए, वो यदि कारण मौजूद है तो एक कारण कौन से? नंबर एक कि आप बहुत थके हुए हैं, सो थकान है, टायर्ड है, दिन भर में बहुत फिजिकल एक्सर्शन हुआ है, लेट नाइट हुई है और अभी अपने को बिल्कुल थकान आ गई है, फिजिकली बहुत टायर्ड है, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। नंबर दो, आपने कोई दवाई खाई हुई है, नींद की, समझो नींद की दवाई खाई हुई है, नींद आपके ऊपर आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा है और उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए। दो नंबर थी, आपकी इच्छा ही नहीं है, सेक्सुअल डिजायर नहीं है, हो सकता है कि तनाव है, बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, झगड़ा हुआ है किसके साथ में, ऐसा कुछ हुआ है और बहुत ज़्यादा तनाव है, इच्छा ही नहीं है, सेक्सुअल डिजायर नहीं है, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। नंबर चार, यदि आपको प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। लोग क्या है कि कहीं भी चांस मिला तो सेक्स करने की कोशिश करते हैं, फिर कोई तो भी आ जाएगा, कोई आ जाता है, बाद में एकदम झटका बैठा है, दिमाग के ऊपर लोड आता है, बाद में नपुंसकत्व आता है, तो प्राइवेसी होना जरूरी है। कुछ लोग बोलते कि नहीं, हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, तभी भी वही कमरे में बड़े बड़े बच्चे हैं तो सेक्स करते हैं, कि बड़े बच्चे सो जाएंगे फिर हम सेक्स करेंगे, तो ऐसे प्राइवेसी नहीं, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। पांच, यदि प्रेगनेंसी है, गर्भधारणा हुई है पत्नी की और एबॉर्शन की हिस्ट्री है बार बार, तो फिर नहीं करना चाहिए। नंबर छह, इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, कोई भी हमारे का पेनिस में इन्फेक्शन है या योनि मार्ग में इन्फेक्शन है कोई कारण से, तो सेक्स नहीं करना चाहिए, इन्फेक्शन है तो। नंबर सात, यदि गुप्त रोग है, तो गुप्त रोग है तो सेक्स नहीं करना चाहिए, सेक्स करना ही है तो फिर प्रॉपर प्रिकॉशन लेके सेक्स करना चाहिए। नंबर आठ, यदि बदन की बीमारी है, बुखार है, खांसी है या ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला हुआ है, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी मतलब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, तो डिप्रेशन है तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, पैनिक है, स्किजोफ्रेनिया हुआ है, मतलब ऐसे इसमें सेक्स के सेंटर जो है वो एक्साइट होते नहीं है, तो मानसिक बीमारी है तो नहीं करना चाहिए। दस, शराब पीने के बाद में सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि शराब जो है इट इंक्रीजेज द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब इच्छा बहुत हो जाती है मगर कर नहीं सकते, तो शराब के बाद सेक्स नहीं करना चाहिए। ग्यारह, हार्ट अटैक आ गया है, रिसेंट हार्ट अटैक, आपकी दवाई चालू है हार्ट अटैक की और उसमें डॉक्टर ने बोला है कि नहीं आराम करो, अभी एक्सर्शन नहीं करना है, या ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, तो उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए। बारहवां जो कारण है वो एक कमर की बीमारी, आपको बहुत ज़्यादा कमर का दर्द हो रहा है, कमर की बीमारी है, आपने कोई मतलब कोई बेल्ट पहन के रखा हुआ है, डॉक्टर ने हिलने के लिए नहीं कहा है, स्पाज़म आया हुआ है, स्प्रेन आया हुआ है, तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 12 कारण मोटे तौर पर बताया मैंने कि जिसमें ऐसी है ये हरकतें हैं, मतलब ये कारण है, तो सेक्स नहीं करना चाहिए। बाकी तो क्या, सेक्स कभी भी कर सकते हैं। और इसमें फिर से मैं दोहराता हूँ, 12 कारण, नंबर एक थकान है, नंबर दो नींद की गोलियां, नंबर तीन इच्छा नहीं, नंबर चार प्राइवेसी नहीं, नंबर पांच एबॉर्शन की हिस्ट्री, नंबर छह योनि का या पेनिस का इन्फेक्शन, नंबर सात गुप्त रोग, नंबर आठ शारीरिक बीमारी, नंबर नौ मानसिक बीमारी, नंबर दस शराब के बाद, नंबर ग्यारह हार्ट अटैक के बाद या चेस्ट पेन है तो, नंबर बारह कमर की बीमारी। तो ऐसे जो है ये 12 कारण है तो सेक्स नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को स्प्रेड करो, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को सेक्स करते करते अटैक आया हुआ है, हार्ट अटैक आया हुआ है, सेक्स करते करते कमर में एकदम जोर से स्प्रेन हुआ है, क्योंकि पहले से ही प्रॉब्लम है, शराब पीते हैं लोग और बाद में सेक्स करते जमता नहीं है और बाद में प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार सेक्स नहीं हुआ तो उसको इतना थका बैठ जाता है कि मैं आदमी में से निकल गया, मेरा सेक्स हुआ नहीं, और बाद में फिर वो क्या करता है, राह देखता है कि अभी मैं कल कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, उसमें वो कल की राह देखते रहते और कल की राह देखते देखते टेंशन आ रहा है और कल पूरा टेंशन के साथ में भी बेड पे जा रहा है कि कल मेरे को जमाने, अभी आज जमना चाहिए और फिर आज भी जमता नहीं। तो इसलिए फेल होने के जहाँ जहाँ चांसेस है वहाँ सेक्स नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हमारा ऐप है उसमें सेक्स फिट के वीडियोज है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आपको कोई भी सवाल होंगे तो आप नीचे नंबर दिए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करो और जवाब ले लो।
ताकि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते आपके जो संदेह है वो हम पूरा सॉल्यूशन दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।